अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो पंजाब में सेंध लगी है, जो चूक की गई है, आज पूरे देश के सामने पंजाब को शर्मिंदा करने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। और मैं ये कहूँगा कि चन्नी साहब और पंजाब कांग्रेस की ये मिलीजुली साजिश थी पंजाब के अंदर देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में खिलवाड़ किया गया, उनकी जान को जोखिम में डाला गया। और मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह आरोप लगाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब को और देश को खतरा है, उसके पाकिस्तान से मिले हुए होने का संकेत किया था। और महज जहां पे प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। कुछ दिनों पहले लुधियाना में कोर्ट के अंदर बम ब्लास्ट होता है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, और उससे बड़ा उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री का बचकाना बयान, कांग्रेस प्रवक्ताओं के बचकाना बयान। कांग्रेस पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का रूट एकदम से बना। मुख्यमंत्री साहब, आपको ये पता होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आपको ये ज्ञान नहीं है, आपको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। आप जो है ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम आता है तो 3 रूट होते हैं, हवाई मार्ग के अलावा 2 सड़क मार्ग का। और उससे बड़ी बात, जब एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, आपके सुरक्षा अमले ने, आपके अधिकारियों ने ये कहा एसपीजी को कि भाई रूट क्लियर है, कोई किसान नहीं है, सारा रूट क्लियर है, प्रधानमंत्री का काफिला भेजा जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का काफिला चलता है और उसे ले आके आप बीच रोड में पुल के ऊपर एक फ्लाई ओवर के ऊपर 20 मिनट तक खड़ा करवा देते हैं। आप कौन से साजिश रच रहे थे? नवजोत सिंह सिद्धू और आप मिलकर क्या करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ? ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखदाई है। ऊपर से आज आपने एक कमीशन का गठन किया, जिस घटना के सरगना, जिस साजिश में आप आगे हों, उसके मुखिया हों, सरगना हो आप, आपके 2-3 लोगों की कमेटी क्या जांच करेगी? आपको शर्म आना चाहिए, आपको पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, आपको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द पंजाब में लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन के बगैर अगर चुनाव हुआ तो चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग पंजाब के अंदर लोकतंत्र की हत्याएं करते रहेंगे और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होना संभव नहीं है इनके सामने। इसलिए पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कि चन्नी साहब, आपके अंदर थोड़ी भी गैरत है तो आपने पूरे देश का अपमान किया है, देश के स्वाभिमान का अपमान किया है, प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान किया है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। और प्रधानमंत्री जी के आपने अपमान किया, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई, इसके लिए आपको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी के साथ साथ आप इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पे, नहीं तो पूरा देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाले वक्त में पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, पंजाब में भी कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जो आपकी हरकतें हैं, इन हरकतों पे पूरा पंजाब जो है आपके विरोध खड़ा है। और आने वाले वक्त में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अगर आपके अंदर थोड़ी भी गैरत है तो आप पूरे देश के सामने माफ़ी मांगें और अपने किए हुए कारनामों को स्वीकार करें, इसकी लिपापोती ना करें।